कोई रोको ना इनको, ये सूरज से मिलने को निकली, कोई टोको ना, ये तो खुद अपनी मंजिल है। आज मैं आप सबके सामने ये ऐलान करती हूँ, सारे समाज के सामने मैं ये कह रही हूँ कि कल मैं अपनी सबसे बड़ी बेटी सिम्मी का श्राद्ध करने वाली हूँ। ऐसे मत बोलिए। सुना आप लोगों ने? आइएगा जरूर। मुझे माफ कर दो। धड़कन से तेज दौड़ूं, सपनों से आगे अब जान लुट जाए, ये जहां छूट जाए, संग प्यार रहे, मैं रहूं ना रहूं। सजदा मेरा सजदा, दिन रहन करूं ना ही चैन करूं। सजदा कब तक इस तरह बस रोती रहोगी? अपनी खुशी, अपने प्यार के लिए इतना बड़ा कदम लिया है तुमने, अब क्यों रो रही हो? आंटी जी मान जाएंगी। वो तेरी माँ है, एक दिन वो तुझे जरूर माफ कर देगी। आंटी जी, मैं कभी माँ को धोखा नहीं देना चाहती थी, लेकिन गुलामी को मार देता तो नीतू के जाती थी। मैंने हमारे पैरों के बारे में भी किसी को कुछ नहीं बताया था। अब मुझे ने भी मेरा साथ दे दिया, मैं माँ की खातिर। उठ। मैं तो इतना ही कहूंगी कि एक माँ के मन को समझने के लिए माँ बनना पड़ता है। सिमी, रिश्ता उन्होंने तोड़ा है, हम फिर से जुड़ने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल चलो अपने घर। सिमी, बस इतना समझ ले, मैं तेरी माँ समान हूं, आज मैं तुझे यहां से विदा करूंगी,
और तेरे नए घर में मैं ही तेरा स्वागत करूंगी। आओ सिमी, चलो माँ। सिमी जी, आज मैं यहां सिर्फ आपकी खुशी के लिए आया हूं और अपने प्रायश्चित के लिए। आपको शादी मुबारक। थैंक यू राजीव जी, ऐसे वक्त में आपने हमारा साथ दिया, ये मैं कभी नहीं भूलूंगा। एनी टाइम यार, राजीव भला कर देगा पार। आसिमी, चलो माँ। पापा जी, मैंने खाना लगा दिया टेबल पे। चलिए अब जल्दी से उठकर खाना खा लीजिए। अलग से उतरेगा नहीं बेटा। घर पे जिसको जो करना, आप जो भी कहिए वो तो वही करेगा ना। उसके लिए आप कब तक खाना नहीं खाएंगे? वैसे भी ये मातमी शक्ल बनाए क्यों घूम रही है? तेरी दो बहनों की शादी हुई है तो क्या हुआ कि अगर एक ने मेरी मर्जी के खिलाफ, कम से कम इस घर से तो दफा हुई। आप क्या कह रही हैं माँ? 30 साल उसे पढ़ाया लिखाया, उसका ख्याल रखा, ये दिन देखने के लिए कि वो समाज के सामने अपने से 8 साल छोटे लड़के के साथ अपनी मां और बहन को धोखा देकर। सिमी और अभी? मिली, सिमी की अलमारी से उसके कपड़े वगैरह निकाल कर बाहर रखते, उसकी किताबें वगैरह। मुझे इस घर में उसकी कोई निशानी नहीं चाहिए। और उसका बाप मंजू जी, ये निशानी तो यही रहेगी। जानती हूं, इसीलिए कहकर तो आई थी सिमी से कि कल उसका श्राद्ध कर दूंगी। मुझे अपने मन में उसका श्राद्ध करना पड़ेगा, उसकी यादों को अपने से दूर कर फेंकना होगा। और हां, आज के बाद मैं आपके साथ आपके कमरे में भी नहीं रहूंगी। जब धागे ही कमजोर पड़ गए हों तो कपड़ा फटने का इंतजार क्या करना? मां, आप जितने भी धागे कच्चे कर लीजिए मंजू जी, मैं कपड़ा फटने नहीं दूंगा। मिली बेटा, आज सारी खिड़कियां खोल दे,
और रोशनी आने दे। आज मैं बहुत खुश हूं और खुशी के मारे कहीं मेरा दम न घुट जाए। अनुज प्लीज आज कहीं बाहर मत जाना, पूरे मोहल्ले में बात फैल गई है कि सिमिति मंडप से उठकर किसी लड़के के साथ भाग गई। हाँ तो अनिता, हमें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। जो इस घर से भागी है वो इस घर की बेटी नहीं रही। मिले जा बेटा, मिठाई लेकर आ। मिली पहले सिमी के कपड़े निकालकर बाहर फेंक दे, फिर चाहे जहां चली जाना। ठीक है मिली, मिठाई मैं खुद जाकर ले आता हूं, सिम्मो की खुशी मैं मनाऊंगा। आराम से बैठो। मैं अभी आता हूं। आज मैं आप सबके सामने यह ऐलान करती हूँ कि कल मैं अपनी सबसे बड़ी बेटी सिम्मी का श्राद्ध करने वाली हूँ। सिम्मी मैं फ्रेश हो गया और तुम भी। अंकल जी से बात करनी है तो करो ना सिमी, रुक क्यों गई? सिमी फोन उठाओ। हेलो, हेलो कौन है? देखिए अगर आपने ये पूछने के लिए फोन किया है कि इस घर की बड़ी बेटी ने, तो ये जान लीजिए इस घर की बड़ी बेटी मर चुकी है, समझे? हेलो, सिमी तुम देखना कल अंकल जी खुद हमें मिलने आएंगे अपना आशीर्वाद देने।
हाँ समी, मेरा दिल यही कहता है। मिले, तेरा सिम्मो को फोन लगा, फोन पे उसका मुंह मीठा। मेरा घर, मेरे घर का नाम 12/24 करोल बाग है। मैं इस घर में अपने पापा जी और मां के साथ रहती हूं। मेरा एक छोटा भाई है और एक छोटी बहन। मेरे भाई का नाम अनुज है, मेरी बहन का नाम नीतू है। वो सिर्फ 1 साल की है और नीतू को मेरे बाल खींचने का बड़ा शौक है। पापा जी का नाम राजिंदर सेठी है, उनकी करोल बाग में एक दुकान है। पापा जी रोज शाम को बाजार ले जाते हैं और चॉकलेट खिलाते हैं, लेकिन मां को भी चॉकलेट बहुत पसंद है। और मैं रोज आधी चॉकलेट मां के लिए बचा कर लाती हूं। अनुज को चॉकलेट मना है। हमारे घर में हम हर वक्त हंसते रहते हैं। पापा जी कहते हैं मैं उनकी दिल की धड़कन हूं, और मां कहती है मैं उनकी नब्ज हूं। मुझे नब्ज का मतलब नहीं पता, तो मां मेरी उंगलियों को अपनी कलाई पे रख देती है, कहती है दिल के धड़कने से बदन में खून दौड़ता है और वो खून हर लफ्ज में दौड़ता है। घर आइएगा जरूर, मां कहती है किसी से भी पूछ लीजिएगा जहां हंसने की
मिली बेटा, ये सिमो की सारी किताबें मेरे कमरे में रख दे और कपड़ों को बाहर सड़क पर रखकर आग लगा दे मिली। ये अब पूछ ले अपने पापा जी से, उन्हें भी कहीं ठूसना चाहते तो रख ले, लेकिन मेरी नजरों के सामने नहीं आनी चाहिए। सिमी की कोई चीज नहीं दिखनी चाहिए मुझे। अनुज, अनुज मेरी डैड से बात हो गई है, वो आज रात ही घर वापस आ रहे हैं। अनुज, अनुज तुम सुन रहे हो मैं क्या कह रही हूं? अनुज चलो यहां, चलो अनुज।